तो दोस्तों आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करने वाला हूँ, अगर आप इसे लगा लेते हो तो आप पर डे का आसानी से 20 से 30 हज़ार रुपये का अर्निंग कर सकते हो। एक महिला इस बिजनेस को करके इतना अच्छा खासा अर्निंग कर रही है। आज मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ, लाइव आपको प्रूफ देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ उस महिला के जरिए कि वो किस तरीके से इस बिजनेस को करके पैसा कमाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चलिए चलते हैं डायरेक्टली फैक्ट्री के ऊपर। ये मक्का है, आज का जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो इस मक्के से बनाएंगे। और ये है, पानी के अंदर हमने फूड कलर डाला है, इससे हम हमारा मटेरियल तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इस मक्के को बैच मिक्सर में डालेंगे, मिक्स करेंगे, इससे फिर हमारा ये तैयार होगा। ये बैच मिक्सर है, इसमें मक्का डालिए, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। स्टार्ट कर बाब। ऑयल डालने के बाद में इसमें हम पानी भी डालेंगे, जो हमने वो तैयार करके रखा था फूड कलर डाल के, वो डालेंगे। अब इसमें ये हम पानी डाल रहे हैं, इसको मिक्सर कर रहे हैं मक्का को। इस बैच मिक्सर के अंदर हम 35 से 40 किलो तक का माल मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालते जाएंगे। बैच मिक्सर होने से हमें ये सुविधा है कि हमें हाथों से नहीं मिलाना पड़ता और बैच मिक्सर से सारा माल अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये देखिए, बैच मिक्सर में मिक्स करने का ये फ़ायदा है कि इसमें ये कलर आ गया है। ये देखिए मक्का में जो हमने ऑयल और फूड कलर और वाटर डाला था, उससे ये कलर अच्छा सा खिल के आ गया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और हमारा जो प्रोडक्शन है वो तैयार करेंगे। अब इस मक्का को हम इस मशीन में डालेंगे। ये जो हमारी मशीन है, ये सब मशीनों में सबसे मेन मशीन है। जो हमारा प्रोडक्ट बनता है 5-6 वेराइटियों का, वह इस मशीन में से ही निकल कर बनता है। इसमें अब हम डालने जा रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन तैयार हो रहा है। अब इसमें हम ये डाल रहे हैं मक्का। ये जो मशीन है, ये हमारी मेन मशीन है। इसमें हमने जो मक्का डाला है अभी, वो मक्के से ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से वो प्रोडक्ट आएगा। अभी ये मशीन को अभी हम हीट दे रहे हैं। मशीन चालू करो बेटा। पानी दे बेटू। हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस मशीन में से, मेन मशीन में से बन के आ रहा है। और इस मशीन में ये पोला कटर है, इसमें कट रहा है, और ये मसाला मिक्सर है। ये हमारा पोला बन के बाहर आ रहा है मिक्स होकर। ऊपर जो ये दो मशीन है, पीछे वाली मशीन में ऑयल डले हुआ है, इसमें हमने पहले से ऑयल डाल रखा था।
ये सेकंड वाली मशीन है, इसमें हमने मसाला डाल रखा है और ये इसमें पूरे में मिक्सर हो रहा है, मसाला लग के पोला बाहर आ रहा है। असल में तो मैडम बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं मार्केटिंग में। जब आपने बिजनेस को शुरू किया तो माल की बिक्री कैसे हुई? शुरुआत में तो देखो सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारेंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे और यही सोच के हमने ये प्लांट लगाया है। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई लेकिन धीरे धीरे फेस कर रहे हैं। थोड़ा दिक्कत भी हमारे जो व्यूवर्स है जानना चाहेंगे भाई इस बिजनेस में कौन सी दिक्कतें हैं। दिक्कत है सबसे पहले तो मशीनरी है वो सही आनी चाहिए, उसके बाद में है तो मटेरियल अच्छा होना चाहिए, कहाँ से लें, कितना प्रॉफिट हो, सारी जानकारी होनी चाहिए, जो पैकिंग से संबंधित है सामान उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो लगभग मतलब कई लोगों को जानकारी नहीं होती है इन चीज़ की, धीरे धीरे परेशानियों को सामना करना पड़ता है, पर जितनी मुश्किलें आएंगी उतना ही बढ़िया मजा आएगा काम करने का। यानी साथियों सबसे पहले आपको स्टडी कर लेना चाहिए कि भाई इस बिजनेस में कौन सी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर स्टडी कर लेना चाहिए, फिर आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। मैडम इसमें मैंने सुना है कि इसमें थोड़ी कारागिर लोगों की भी दिक्कत है। हाँ दिक्कत आती है, ऑपरेटर की आती है, वर्कर्स की आती है, दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी वाले भी मैनेज करवा देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कंपनी वाले कि वो बता देते हैं कि ऑपरेटर कहाँ अच्छा मिलेगा आपको, और वर्कर तो हम जहाँ रहते हैं वहीं की वर्कर हमें अवेलेबल हम करें वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि रात तक भी काम चलता है तो जो लोकल वर्कर होंगे उनकी हेल्प अच्छी मिल जाती है। बाकी मशीनरी में तो जो कंपनी ऑपरेटर हमें बताती है वही ऑपरेटर हमें लेने चाहिए। मैडम अब ये बताइए अभी इस फैक्ट्री से आप कौन सा माल बना रही है, जैसे अभी बच्चों में पसंद किया जा रहा है पोला, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर साथियों, कौन से आप माल बना रही है और मार्केट में अभी कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है? पफ आइटम चल रहा है ज़्यादा, जिसे हम लोगों के यहाँ लैंग्वेज में कुरकुरा बोलते हैं, पफ आइटम को आप लोग जिनको पफ बोलते हैं उनको हमारे यहाँ कुरकुरा बोलते हैं। उसमें एक तो ये जो पोला है ये चल रहा है, एक पुलाव चल रहा है, और हमने नाम रखे हैं हमारे प्रोडक्ट का नाम है महेश्वरी फूड, उनमें रखा है हमने लाडो का झुमका है, चटपटा पुलाव है, चीजी बोल है और खस्ता कटोरी है, तो इस तरीके से हमने हमारे प्रोडक्ट के नाम रखे हैं और अच्छा निकल रहा है पफ का आइटम, और इसमें मार्जिन भी है थोड़ा थोड़ा, शुरू में कम होगा, और कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो शुरू में प्रॉब्लम आती है, उसमें हम शुरू में अपन प्रॉफिट का नहीं सोच सकते, लेकिन धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है, 25-30% स्टार्टिंग में प्रॉफिट है और धीरे धीरे हम काफी अच्छा कर सकते हैं। कमाने वाले 1 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं और कमाने वाले 5 लाख 10 लाख भी कमाते हैं। अभी ये बताइए आपकी कितनी कमाई हो रही है इस बिजनेस से? अभी स्टार्टिंग तो हम कर रहे हैं पर डे के 10,000 रुपए सप्लाई से आ रहे हैं हमारे, बाकी हमें विश्वास है, मेरा बेटा है वो BSc कर रहा है, उसने बोला है मुझे बिजनेस करना है, जॉब में नहीं जाना है, क्योंकि घर के बिजनेस की होड़ नहीं होती, और मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने ये पफ का प्लांट लगाया है इससे मैं सफल होंगी। मैं कच्चा माल भी उपलब्ध करवा रही हूँ, अगर किसी को इसमें कच्चा माल भी चाहिए तो हम, जैसे वो पैकिंग मशीन लगा के अपना पैकिंग करना चाहते हैं, हमसे माल लेना चाहते हैं, तो हम वो भी बना रहे हैं, और हम लोग खुद भी अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम माल बना के पूरा पैक करके सप्लाई करें। यानी काबिले तारीफ है साथियों मैडम जी का काम, लगभग मंथली दिन के 10,000 से मंथली लगभग 3 लाख रुपए की अर्निंग इस छोटे से प्लांट से मैडम कर रही है। मैडम अभी ये बताइए इस प्लांट को शुरू करने के लिए लागत कितनी आई थी? लगभग 6.5 लाख रुपए की लागत आती है प्लांट में मशीनों की। यानी साथियों लगभग 6.5 लाख रुपए आपको मशीनों को लगने वाले हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ 6.5 लाख रुपए में प्लांट शुरू हो जाएगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा घर या हाउस भी लगेगा, इसके लिए आपको रॉ मटेरियल भी लगेगा, इसके लिए आपको जो वर्कर है उनका भी पेमेंट लगेगा मंथली, बहुत सारी चीज़ें हैं। लगभग 10 लाख रुपये के खर्चे में आप ये प्लांट शुरू कर सकते हैं।